कब आए आप? अरे अभी आधा घंटा हुआ बस। मटका ले आए पापा जी के लिए? मटका ले आया, वो देखो वो पड़ा, धो के पानी भर के बिल्कुल रेडी करके रखा है पापा जी ने, और पापा जी बहुत खुश हैं पता है। अच्छा, कितने का है ये? 30। 30 रुपए का? नहीं, 30-40 जगह मैंने देखा तो ये पसंद आया मुझे, और 100 के आसपास, 100 का ही है। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। अरे यार मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ? अरे मैंने कब कहा कि आप झूठ बोल रहे हो? नहीं। 100 रुपए का ही आता है ये। अच्छा अच्छा, मैं जरा आती हूँ। यार हद है तुम्हारी, थोड़ी देर सब्र नहीं कर सकते? बता देता उसके सामने जरूरी। भगवान दास, चौराहे से मटका उठा के लाना अच्छी बात नहीं है। आई नो इट्स रॉन्ग, बट सम टाइम यू नो, जब मैं ऑफिस से निकला तो बहुत देर हो गई थी, बाजार बंद हो चुके थे और मटके की दुकानें तो सारी बंद थी। अब मैं करता तो क्या करता। पापा जी 3-4 दिन से बोल रहे थे और बड़ी शिद्दत से उन्होंने आज कहा था कि आज लेकर ही आना। पर बाय द वे, अगर मैंने चौराहे से ऐसे एक घड़ा उठा लिया लावारिस, तो व्हाट्स रॉन्ग? मतलब हो सकता है किसी ने दान के लिए ही रखा हो। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि किसी ने पूजा पाठ, ग्रह शांति या फिर किसी और चीज के लिए रखा हो। ग्रह शांति यू मीन टोना टोटका? अब देखो यार भगवान दास, मुझे इन सब चीजों की जानकारी बिल्कुल नहीं, पर एक बात अवश्य याद रखो, घर में कोई भी वस्तु लेकर आओ तो उस वस्तु के आसपास अवश्य देख लेना चाहिए, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं आ गई जिसे नहीं आना चाहिए। देखो यार, घर एक पवित्र मंदिर है तो उसमें आने वाली हवा पावन होनी चाहिए। आई नो शिवाय, बट डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं लाया हूं। इट्स ए सिंपल प्लेन मटका, कुछ भी नहीं ऐसा है, सो इट्स ओके। भगवान दास, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो दिखाई नहीं देती पर होती अवश्य। शिवाय तुम्हारा मतलब कहीं भूत प्रेत या आत्मा से तो नहीं है? अब ये मत कहना कि मुझे इन सब में विश्वास है, हैं? अरे यार तुम हंस क्यों रहे हो? मैं स्वयं भूतनाथ हूँ। आई नो। और रही बात तुम्हारी आत्माओं की, तो भगवान दास, मृत्यु और जीवन के बीच का जो समय है ना, उसमें पता नहीं कितनी भटकती आत्माएं होती जो हमारे आसपास ही होती, हमें दिखाई नहीं देती पर होती अवश्य। तो इस मटके में आत्मा है? जिस घर में भगवान रहता हो वहां आत्मा तो क्या, आत्मा का पाप भी नहीं आ सकता।